हाजिर हूं एक और नई वीडियो में। और गाइस मुझे पता है आप लोगों को टॉप 5 एंड्रॉइड एप्स की सीरीज बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस एंड्रॉइड एप्स पर ही दे रहा हूं। और मुझे कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों को एंड्रॉइड एप्लीकेशन वाली वीडियो पसंद है। मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। तो शुरू करते हैं आज की इस लिस्ट के पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, जिसका नाम है हैंड्स फ्री। अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ गाने वाने सुनते रहते हैं और गाने सुनते सुनते कुछ और भी काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डेटा भी कम खर्च हो और आपका टाइम भी खर्च हो और आपके हाथ भी कम खर्च हो, आप हाथ वात ज़्यादा यूज ना करें, तो आप हैंड्स फ्री रहकर म्यूजिक सुन सकते हैं। सिंपली आपको इस ऐप को ओपन करना है और आपको कोई सा भी यूट्यूब पर सॉन्ग सुनना है, जो भी आपकी पसंद है वो यहाँ पर आप पसंद अपनी चूज कर सकते हैं। या आपको नीचे एक माइक्रोफोन का एक आइकन मिलेगा, इस पर आप टैप करेंगे और आपको कमांड देनी है उस गाने का फर्स्ट बोल के जो भी सॉन्ग है, और वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और ऑटोमेटिक वो प्ले हो जाएगा। यहाँ पर ऑटो प्ले का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर दीजिए और बस भैया हाथ बात छोड़ के जो भी आपको काम करना है वो आप काम करते रहिए और आपके सॉन्ग चलते रहेंगे। अगर आप प्रीमियम वर्जन में जाते हैं तो आपको एड वेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे मैंने बिना प्रीमियम लिए ही 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे एक भी एड नहीं मिला, ऐसा क्यों आई डोंट नो बट ऐसा है। और इसके अलावा आप स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने फ़ोन के स्क्रीन पर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑडियो प्लेयर जैसा इंटरफेस है इसका और साइड में छोटी सी स्क्रीन पर वीडियो प्ले होती है, इससे आपका डेटा भी कम खर्च होगा, बैटरी भी कम खर्च होगी। इसके अलावा आप चाहते हैं जो आपके यूट्यूब अकाउंट में प्लेलिस्ट सेव करी हुई हैं यूट्यूब ऐप में, तो आप वो प्लेलिस्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा और आसान सा ये एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग वॉन्ग सुनते रहते हैं, गाने वाने सुनते रहते हैं। इस ऐप को ट्राई करना, आप भी दिन रात मुझे दुआएं देंगे कि क्या कमाल का ऐप बताया, सच बता रहा हूँ मैं, ट्राई कर लेना। ओके, नेक्स्ट ऐप की तरफ बढ़ने से पहले गाइस थोड़ा सा एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा देना ऑल पर क्लिक करके, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 80% लोग ऐसे हमारे चैनल पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि एक बुरी बात है, यहाँ पर दुखता है, बहुत दुखता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। नॉलेज लेके जाते हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो, आपका कुछ जाएगा नहीं पर मुझे थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट ऐप है नेट कैप्सूल VPN। बेसिकली ये एक VPN है, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कोई अच्छा VPN बताइए, तो ये एक मुझे VPN बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी खास बात ये है कि आपकी प्राइवेसी के लिए बेटर है, बाकी यहाँ पर आपको जो सर्वर्स दिए जाते हैं वो US, UK, जर्मनी, कैनेडा जैसे फ्री में आपको सर्वर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर ऑटो सिलेक्शन भी है, आप ऑटो पर भी छोड़ सकते हैं, 1 घंटे के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा देर तक VPN यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक ऐड देख लीजिए, 30 सेकेंड्स का होगा। और इसकी जो खास बात है प्राइवेसी को लेकर वो ये है कि आप इस VPN को कनेक्ट करने के बाद जो भी एक्टिविटी करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं या कोई भी कंटेंट, किसी भी तरह के कंटेंट देखते हैं, तो उसका लोग ये नहीं बनाता, यानी कि आपकी एक्टिविटी का रिकॉर्ड ये VPN नहीं रखता है। जो मैक्सिमम VPN आपकी एक्टिविटी का लोग बनाकर अपने पास रखते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बट ये VPN नहीं करता, इन्होंने अलग से स्पेसिफिक इस बारे में बताया भी है। ओके, नेक्स्ट हैमर सिक्योरिटी। इस ऐप को आप अपने मम्मी पापा के फ़ोन में, अगर आप मम्मी पापा हैं तो आप अपने बच्चों को फ़ोन में, स्पेशली गर्ल्स के फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल करके रखें हमेशा। इस ऐप की मदद से आप किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि अपने बच्चों को या उनकी जिन लोगों की आपको फिक्र है, जो बच्चियां लड़कियां जॉब पर जाती हैं या कॉलेज जाती हैं और आपको डर होता है कि यार रास्ते में कई सारे ऐसे खराब रास्ते पड़ते हैं, माहौल भी खराब है, तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं, और इन फीचर्स को यूज़ करने से पहले आपको इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको फेक शटडाउन पर क्लिक करना होगा और कुछ परमिशन देनी होगी, कुछ नहीं काफ़ी सारी परमिशन देनी होगी, जैसे कि डिवाइस एडमिन ऐप। डिवाइस एडमिन ऐप की परमिशन देना थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसलिए आप अपने रिस्क और अपनी जिम्मेदारी पर ही दें। जब डिवाइस एडमिन ऐप की आप परमिशन दे देते हैं, उसके बाद कॉल, SMS सभी चीज़ों की परमिशन देनी होगी, क्योंकि आप दूर बैठकर एक फ़ोन को कंट्रोल करेंगे तो ये सभी परमिशन देनी होंगी। और लास्ट में आपको एड इमरजेंसी का फीचर मिलेगा, वहाँ पर आपको एक नंबर ऐड करना होगा अपने मम्मी पापा का या उस व्यक्ति का जो व्यक्ति आपकी इमरजेंसी में मदद कर सके या मदद भेज सके। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे वेबसाइट का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ईमेल से एक अकाउंट बनाना होगा, ताकि आप दूर से रिमोटली फ़ोन को एक्सेस कर सके, मदद कर सके अपनी बच्ची को जब भी आपकी बच्ची मुसीबत में है। अगर इन फ्यूचर ऊपर वाला ना अगर ऐसा हो, कभी भी आपकी बच्ची मुसीबत में
में, तो आप सेम इसी ईमेल आईडी से वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। वहां से आप कमांड्स भेजकर रिमोट की तरह अपने बच्ची के फोन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं दूर बैठकर। इसके अलावा टेक पिक्चर पर क्लिक करके फ्रंट या बैक कैमरे से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये सभी चीजें आप करेंगे तो उस फोन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्रिमिनल को पता भी नहीं चलेगा कि आपके बच्चे के फोन से ये सभी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म पर क्लिक करेंगे तो एक जो पुलिस जिप्सी का जो सायरन होता है वो बजने लगेगा तेजी से। तो कई बार आपके बच्चे ऐसे बुरे रास्ते पर यानी कि सुनसान रास्ते पर हैं और उनको डर लग रहा है, तो आप ऐसा करके उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा लॉस्ट मैसेज, आप यहां से उनके फोन में एक मैसेज डिस्प्ले पर शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो भी आपको लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको आप ट्राई करना। और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है और क्या क्या फीचर हैं, पूरी तरह से मैंने गाइड किया हुआ है हिंदी में, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट, सोयल ऐप, ये एक नया सोशल मीडिया ऐप है जो कि एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, लाइक क्लब हाउस ऐप। जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट करते हैं फोटो या लिखकर आप पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको लिखकर पोस्ट नहीं करनी, कोई फोटो या वीडियो पोस्ट नहीं करनी, आपको ऑडियो पोस्ट करना है। ऑडियो रिकॉर्ड करके आप अपनी बात रख सकते हैं। इसका इंटरफेस भी सेम ऐसा ही है इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको लोगों की पोस्ट दिखाई देती है जिन लोगों ने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू पोस्ट की है, और वो पोस्ट आप सुन सकते हैं। उनको रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप अपनी वॉइस के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, जो कमेंट करेंगे वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोग आपको भी फॉलो करेंगे, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर होता है, ट्विटर पर होता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, बट ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, सिमिलर लाइक क्लब हाउस ऐप। नहीं जानते क्लब हाउस ऐप क्या है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। ओके, लास्ट ऐप की बात करें तो ये ना मुझे बहुत पसंद आया, इसे आप मेरा फेवरेट कह सकते हैं, थोड़े दिन तो मैं इसको यूज करूंगा, जिसका नाम है 4K Wallpapers। वैसे बहुत सारे 4K Wallpaper हैं, ये एक लेटेस्ट 4K Wallpaper है, आई थिंक ये अप्रैल में ही लॉन्च हुआ था। इसकी अच्छी बात ये, इसमें आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर्स का कलेक्शन मिलता है, और जो भी कलेक्शन मिलता है वो काफ़ी अमेजिंग है, कमाल का है। कैटेगरीज यहाँ पर इतनी है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरीज है। और इससे भी खास बात ये, इस एप्लीकेशन में आपको लाइव वॉलपेपर का कलेक्शन मिल जाता है, जो काफ़ी अमेजिंग है। वो जिस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी यूनिक लाइव वॉलपेपर है, अमेजिंग गाइस। इसके अलावा यहाँ पर डबल वॉलपेपर का भी फीचर मिल जाता है, और एक और कमाल की चीज़ है, यहाँ पर आपको एज लाइटिंग वॉलपेपर का भी फीचर मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से आपके पूरे फ़ोन में चारों ओर इस तरह से एज लाइटिंग इफेक्ट मिल जाते हैं वॉलपेपर। और इसके अलावा यहाँ पर ऑटो चेंजर का भी फीचर मिल जाता है, जो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई ऑटो चेंजर वॉलपेपर बताओ, तो यहाँ पर वो फीचर भी मिल जाता है। ऑटो चेंजर में आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं, भैया 30 मिनट के बाद या कितने घंटे के बाद ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होता रहे सभी कैटेगरीज का। एक बार ट्राई करना, आपके पसंद यानी कि सभी के पसंद के यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाएंगे। और सभी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे 4K वॉलपेपर ऐप तो आपको पता नहीं कितने एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल करना। बाकी ये था वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तब तक के लिए अपना ख्याल रख लोगे, अब मैं आऊँ तो बता देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।